चाहिए। तो देना है, दे नहीं देना मत दे। So, जो रोज है मैं बस एक ही लेके आया हूँ और ये स्पेशल वन के लिए और एक प्रैंक एक्चुअली, और जिसने ले लिया भाई और जो डेट पे चली गई उसकी है गुलाब भाई। तो ये मेरा आज का प्रैंक है और रिएक्शन भी चेक कर रहे हैं और जो मिली वो आज की डेट। तो भाई चलते हैं और भी ढूंढते हैं, पार्क में बहुत लोग हैं, चलते हैं आगे और भी लोगों को ढूंढते हैं। स्वागत है एक नए ब्लॉग में और आज निकल चुके हैं, आज है मेरा, आज डेट है 27 और आज की जो डेट है 27 और मेरा ये थर्ड लास्ट डे है और यहाँ वेडिंग शूटिंग चल रही है भाई, देख रहा हूँ। सलाम अमेरिकानो आदिन मालिंकी सबोई सबोई दा। तो भाई थोड़ा मोड़ा रशियन सीख रहा हूँ, उतना भी नहीं आती मुझे। मालिंकी सबोए, सबोए मतलब पार्सल होता है शायद। हाँ ओके, साखर नहीं है, साखर नहीं है। दसो ओके पक्का दसुदानिया। तो भाई अपनी कॉफ़ी मिल चुकी है और चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और वॉक करेंगे, मेट्रो नहीं लेंगे भाई। हाँ तबीयत थोड़ी ठीक ले रही है, आज थोड़ा मन लग रहा है कि लोगों से इंटरेक्ट करूँ, तो ट्राई करूँगा मैं। और मेरा ये सब रेस्टोरेंट है भाई और यहाँ बियर वियर तो चलता है, तो बर्गर वगैरह शॉप में भी बियर पी सकते हैं, सिगरेट सब पी सकते हैं भाई, मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ। तो आज कुछ नया कुछ करने वाले हैं, नया ट्राई करने वाले हैं, कुछ अलग सा ब्लॉग बनेगा मे बी, अगर हो सके तो। तो थोड़ा हिंट देता हूँ, आज का ब्लॉग जो है वो लड़कियों पे है भाई और हम थोड़ा प्रैंक करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या रिएक्शन आता है और किस टाइप का प्रैंक है वो आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। ग्रीन हो चुका है सिग्नल और नज़ारा कुछ ऐसा है भैया। और यहाँ कैमरा फ्रेंडली है भाई, कोई भी मना, इंडिया में आप रिकॉर्ड करो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन यहाँ पे तो सब हाय हेलो बोलते हैं। भाई भीड़ देख रहे हो, संडे को ज़्यादा ही कुछ भीड़ लगता है, ज़्यादा कोई फ्री है सब लोग। सैटरडे को पार्टी, ये पार्टी वाले नहीं है, पार्टी वाले आज सो रहे होंगे अभी तक, वो उठेंगे लगभग 8-9 बजे उठेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे वो। तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पैदल, उसके बाद साइकिल, अगर बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग हैं तो भाई कार करते हैं, मतलब नॉर्मली कार वाले भी पैदल ही चलना पसंद करते हो, उतना कोई पैदल नहीं चलते भाई, मतलब वो गाड़ी से नहीं चलते। मैं सोचता था ना यहाँ पे मेकअप नहीं लगाते हैं, ना तो गोरे हैं भाई, भाई इनसे ज़्यादा मेकअप तो हमारे यहाँ से ज़्यादा मेकअप तो ये लोग करते हैं, और लिपस्टिक तो भाई क्या बोलूँ मैं, भर रहते हैं, जब मौका मिला नहीं बेंच पे बैठ गए और मेकअप करना स्टार्ट में दे देता था, लेकिन क्या हुआ कि अब जो है उसमें तो मतलब क्या है कि उसने, मैं 200 रुपये 220 रुपये में खा लेता था भाई, 500 की बिल बनी आज, वो भी खाली राय, वो आलू खाया था और चिकन खाया था, ज़्यादा बड़ा चिकन नहीं था भाई वो। तो देख लो भाई यहाँ का नज़ारा, ये यहाँ का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है भाई, इसका कुछ 320 मीटर कुछ है डीप। तो ये मैंने शायद दिखा दिया ऑलरेडी अपने, जब जिस दिन मैं सेंट पीटर में गया था उस दिन दिखाया था शायद जो दोबारा दिखाने का नहीं बनता, लेकिन बता दे रहा हूँ कि ये पीछे में ऐसा है। और ये रहा बर्गर किंग भाई,
और हमारे लिए देखो हम यहाँ किंग है भाई, हम जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से गाड़ियाँ रुकना रुकना स्टार्ट कर देती है। और आज संडे है तो थोड़ा क्राउड ज़्यादा रहेगा और सब रेडी होके निकलती है भाई। ज़्यादा रेडी क्या, वाइट टी शर्ट पहन लेंगे और ब्लैक शॉर्ट्स पहन लेंगे, बस यही इन लोगों का ड्रेस है भाई। ड्रेस कोड तो ये है और कोई इनके पास कपड़ा ही नहीं है, वाइट और ब्लैक के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। वाइट ब्लैक और ये वाला बतख बहुत ज़्यादा पसंद करता है ये, और सबके हाथ में वेप रहेगा। मेरे दोस्त ने एक और ने डिमांड कर दिया भाई, तो उसके लिए ले जाना पड़ेगा, एक खरीद के लेके जाते हैं। आज ट्राई करेंगे इंटरेक्ट करने का सबसे, क्योंकि आज मूड बहुत अच्छा है। कल से मेरा कल मतलब क्या था, मेरा नींद कंप्लीट हो जाता था, नींद कंप्लीट नहीं होगा था भाई, मन चिड़चिड़ा सा रहेगा, और मन चिड़चिड़ा सा रहेगा तो भाई काम बनेगा नहीं। और जब मन चिड़चिड़ा रहता है तो भाई किसी से बात करने का एकदम मन नहीं करता। और वहाँ पे कुछ कार्निवल है, चलो आज कार्निवल पहले देखते हैं क्या है। एक्चुअली सुबह में देखा था मैं क्या है, चलो आज देख के आ जाते हैं। 25 to 27 है, मेरे को पता ही नहीं था भाई कि यहाँ चल रहा है 25 से। पूरी हाई सिक्योरिटी है भाई यहाँ तो। थोड़ा फेस्टिवल यहाँ का कैसा होता है वो दिखा रहा हूँ मैं, मतलब एक कार्निवल टाइप है, बहुत ही सुंदर सा, और हर जगह क्राफ्ट कुछ ना कुछ सेल हो रहे हैं भाई। इतना तो मालूम है महंगे ही रहेंगे, सस्ता नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग 2-3 दिन के लिए रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही पे करते हैं लोग, हर चीज़ बहुत ही महंगे में बेचते हैं ये। तो देख लो यहाँ की मेले कैसे लगते हैं और लोग कैसे इंजॉय करते हैं मेले को। ऐसा सोमिनियर शॉप है शायद, और ये कुछ लकड़ी के सामान है। अच्छा ये क्या है कि ये कपड़े बनाने का ये है भाई मशीन, जो पुराने ज़माने में यूज होता था। ये पुराने कॉइन्स। अच्छा ये तातर, ये शायद तातर की ड्रेस है भाई, तातर लोग है ना उनका ड्रेस है भाई, मैं पहचान लिया। और कजान में तातर लोग है, तातर लोग की ड्रेस है भाई ये। और ये वाला लकड़ी के ज्वेलरीज भाई, लकड़ी छाप रखा है, टी शर्ट में पूरी लकड़ी बना रखा है यार। और ये लकड़ी के सामान है भाई, महंगे ही होंगे पता, 100% मालूम है हमें, ये सब का एक्सपीरियंस हो चुका है भाई। और ये वॉलेट ₹350। अच्छे है भाई लेकिन महंगे है बहुत। और ये चिप्स विप्स, और ये क्या बेच रहे हैं भाई, बुक्स 10। अच्छे ये वाली गेयर है भाई, जो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में ऐसे घर में रहते हैं, 15-20 मिनट में वाली रेडी कर देता है भाई पूरा। तो इसको गेयर बोलते हैं। और फिर से सिक्योरिटी भाई, एक और सिक्योरिटी, पता नहीं ये वाली सिक्योरिटी वो वाली सिक्योरिटी अलग है। तो वो तो छोटा सा ही था, इधर एक बड़ा सा मॉल, ये वाला देखा होगा आपने, ये वाला पैलेस बहुत ही खूबसूरत सा है, शानदार सा। इंग्लैंड, वेयर आर यू फ्रॉम? इंग्लिश नियत? नो, यस यस। वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम रशिया। रशिया, यू लुक लाइक इंग्लिश की। ओके पाका। इंडिया। आई एम फ्रॉम अल्जीरिया। अल्जीरिया, यू नो अल्जीरिया ओ नो? आई नो अल्जीरिया। ओके नाइस टू मीट यू, बाय बाय। सो भाई देख रहे हो क्राउड, आज संडे है तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या बोलूँ मैं। ये टेबल्स उतने भरे नहीं रहते मंडे टू थर्सडे, लेकिन आज देख लो संडे है तो संडे को पूरा भरा रहता है भाई ये तो। एक भी सीट खाली नहीं है संडे को तो, और सारे लोग घर से निकल चुके हैं। और खाएंगे क्या यार, ब्रेड तो हर खाने के साथ इनका ब्रेड रहता है, हर खाने के साथ ब्रेड खाएंगे।
और मोटे कम ही दिखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बॉडी शेमिंग आप नहीं कर सकते किसी का, मतलब कि आप किसी को मोटा पतला वो ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है नहीं बता सकते भाई। और अगर आपने किया तो आप पे केस कर सकता है। और लड़के लड़कियाँ नहीं, सिर्फ लड़कों पे भी ये फ्रॉड होता है। और ये कुत्ता बड़ा सा क्यूट है। तो भाई मतलब नहीं कर सकते बॉडी शेमिंग, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और किसी को नहीं बोल सकते वो मोटा है वो पतला है वो काना है वो लंगड़ा है, वो बोलेंगे तो आप पे केस हो जाएगा भाई। और कोई लड़की भी आपको अगर बोल दी तो आप उस पर केस कर सकते हो, और वो एक्शन लेते हैं भाई। यहाँ पे लड़का लड़की दोनों बराबर है। आप ऐसा नहीं है कि लड़की केस की तो भाई उसको ज़्यादा सुनेंगे और लड़का केस किया तो उसका नहीं सुनेंगे। लड़का ने अभी केस कर दिया तो आप भाई लड़के ने भी केस किया तो आप पे मतलब लड़की को छोड़ते नहीं वो, और उस पर केस चलता है भाई। तो इतने ईजी नहीं है यहाँ पे, ये यूरोप है भाई, इंडिया नहीं है कि लड़का कंप्लेन करने गया तो पुलिस बोलेगी अरे क्या हो गया लड़की ने किया भाई, अच्छा है इंजॉय करो, लेकिन या फिर लड़की कुछ करे तो उतना एक्शन नहीं लेते। और ऐसे जैसे कि आप पीछे देख रहे हो ऐसे जो मतलब पार्ट टाइम जॉब करते मिल जाएंगे, और फ्राइडे सैटरडे संडे को 3 दिन ये लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और 3 दिन में ही इतना कमा लेते हैं, हफ्ते में उड़ाते हैं रात को मत से। अभी दिन भर काम कर लेंगे और शाम को मस्त से पार्टी करेंगे या सेविंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे भाई। सच में आज ज़्यादा ही क्राउड है। और वो रहा चर्च ऑफ ब्लड ऑफ चर्च, और ये भाई यहाँ का ये जो पीछे आप देख रहे हो ये है यहाँ का लाइब्रेरी, बहुत ही बड़ा है, 5 फ्लोर का आप गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 5। और ये बड़ा फेमस है ये चीज़ यहाँ पे। ये जो बोटिंग देख रहे हो, नॉर्मली मैं सोचा ना सब जगह अलग अलग रेट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिक्स रेट है भाई, हर जगह आपको ये वाली जो बड़ी वाली मिलेगी वो 700 रूबल में मिल जाएगी। अगर आप बुक करना चाहते हो क्या बोलते हैं स्पेशल और वो वाली तो 5000 7000 ऐसा में ये रेट चलता है यहाँ पे। और ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ हैरी पॉटर बहुत ही फेमस है यार, हैरी पॉटर के तो भाई बुक्स और ये भाई ज़्यादा ही कुछ है। ये कैब देख लो हैरी पॉटर। तो सो भाई आए एक पार्क में, बहुत ही खूबसूरत सा शानदार सा पार्क है, और आज एक प्रैंक करने वाले हैं लड़कियों के साथ। तो ये देख लो एक गुलाब है जो मुझे पड़ी है 450 रूबल की। एक गुलाब सोच लो यहाँ कितनी महंगी मिलती है यार, सस्ती मिल जाती है 200-250 की, लेकिन कहीं मिली नहीं ढूंढा, मतलब मिल जाती है लेकिन ये 450 रूबल की गुलाब। देखते हैं लड़कियों को देते हैं रिएक्शन क्या आता है। तो देख लो यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं भाई, तो जो सबसे खूबसूरत होगी उसी को देंगे, एवरेज को नहीं देंगे भाई। लेकिन ऐसा नहीं है उसको मतलब ये कर रहा हूँ भाई, लेकिन देंगे तो एक खास अच्छी लड़की को देंगे ना। तो देखते हैं और ट्राई मारेंगे आज, ट्राई नहीं मतलब आज का प्रैंक यही है, आज की वीडियो इस पे डिपेंडेड है भाई। तो देख लो सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ ही यार, कोई कमी नहीं है यार। सब की हाल है बढ़िया देखो भाई। अरे वो खजान के सिरडल है ना। सो आज लड़कियाँ नाल गल्ला करेंगे भाई, और की करेंगे ओए प्रगत, आज की होने वाला है कि लड़कियों को यार कॉम्प्लीमेंट देंगे। हाँ। क्योंकि पूरी दुनिया यार दुखी रहती है तो सैड रहते हैं, थोड़ी सी जो खुशी है उसको ऐड करेंगे, तेरी स्माइल अच्छी है, आंखें अच्छी हैं। हाँ। और सब तो भी तो आइए भाई, और अभी आपको दिखाते हैं एक अच्छी लड़की ढूंढते हैं और उसको गुलाब देते हैं और रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं। माइक्रोफोन तो नहीं है आपको आवाज़ सुनने नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उसको फेस का रिएक्शन जरूर मिल जाएगा। We are happy. You are happy? Thank you. Okay, so it's nice
meeting you and it was like a prank some kind. So this flower is for next girl. So भाई ये जो रोज है मैं बस एक ही लेके आया हूँ और ये स्पेशल वन के लिए और एक प्रैंक एक्चुअली और जिसने ले लिया भाई और जो डेट पे चली गई उसकी ये गुलाब भाई. तो ये मेरा आज का प्रैंक है और रिएक्शन भी चेक कर रहे हैं और जो मिली वो आज की डेट. तो भाई चलते हैं और भी ढूंढते हैं, पार्क में बहुत लोग हैं, चलते हैं आगे और भी लोगों को ढूंढते हैं. तो हो गया बहुत ज़्यादा प्रैंक और चलते हैं अभी रिवर साइड में. रिवर साइड में देखते हैं क्या रिएक्शन आता है. यहाँ की रिएक्शन तो थोड़ी अच्छी मिली एक्चुअली. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सारे कपल है यार, तो देंगे किसे गुलाब हम? तो गुलाब देने के लिए तो सिंगल लड़कियाँ चाहिए यार, या वो फ्रेंड हो. तो यहाँ पे ये सोशल एक्सपेरिमेंट है भाई और मैंने जैसे कि दिया तो भाई क्या मतलब रिएक्ट करती है, क्या बोलती है लड़कियाँ गुलाब देते हैं तो एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, क्या रिएक्शन होता है. तो आप देख ही रहे हो और चलिए आगे और दिखाते हैं आपको. यहाँ पे पार्क नदी है सामने में, पार्क है खूबसूरत सा. तो भाई जहाँ पे मैं हूँ ये सेंट पीटर्सबर्ग की स्टेट कल्चर यूनिवर्सिटी है और ये कुत्ता देखो शानदार सा है भाई. और सब कपल ही दिख रहे हैं यार, किसको गुलाब दें? वो साइड में तीन चार लड़कियाँ हैं, फिर अब वो साइड जानी पड़ेगी. ये कुत्ता देखे यार, ये चूहा है या कुत्ता है ये? तो देना है, दे नहीं देना मत दे, बाहर में जा जा रहा है. ਉਚਿਨ ਪ੍ਰਿਆਤ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ तो भाई यहाँ कॉन्सर्ट देख लो भाई, कॉन्सर्ट हो रहा है और सामने में ब्लड ऑफ सर्वाइवर का कैथेड्रल है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है. तो भाई एंट्री फ्री है भाई, पूरी कोई पैसे नहीं लगे, एंट्री पूरी फ्री है, पैसे नहीं लगे, मैं तो जहाँ पैसा पे करना पड़ेगा.
तो भाई कैसी लगी मेरी जो वीडियो थी आज? सोशल एक्सपेरिमेंट था मेरा कि यहाँ की जो रशियन लड़कियाँ आपके पास जो स्टीरियोटाइप जो माइंड में पहले से इंडिया में बैठा रहा होगा कि यहाँ की रशियन गर्ल कैसी है जल्दी मतलब किस टाइप की आपके माइंड में अगर कुछ गलत फहमी है तो आज दूर कर दिए हैं मैंने। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। तो जितना ईजी आप समझते हो उतनी ईजी भी नहीं है भाई जितना आप समझ रहे हो। तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट इसलिए था कि आप क्या सोचते हो क्या वो सोचते हैं तो बहुत सारी बातें हुई वीडियो में आपको देखने मिला होगा। तो ये देख के आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और बेल आइकन बटाएं। जो बेल आइकन है मैं कभी बोलता नहीं और दबा दो भाई, नोटिफिकेशन आएंगे नई वीडियो जब डालता हूं। तो रशिया के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे। और ये वीडियो को यहीं इन करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।